हेलो बॉयज एंड एंड गर्ल्स लेडीज जेंटलमैन कैसे हैं आप सभी लोग इंतजार की घड़ी हुई खत्म बट शुरू करने से पहले चेक कर लेते हैं यार ऑडियो वीडियो सब सब चकाचक सब एकदम बढ़िया आ रहा है या नहीं उसके बाद ही तो मजे करेंगे यस और नो एवरीवन चलो 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 भाई चेक फास्ट एंड टेल मी इफ आई एम लाइव इफ यू कैन सी मी इफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली कन्फर्म मी क्विकली आई थिंक आई एम लाइव नाउ वाओ 150 प्लस पीपल वर वेटिंग अमेजिंग गाइस बहुत बढ़िया तो सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन में अब कुछ ही समय बाकी रह गया लेस देन अ मंथ और मैथ चला आर स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है सर उसके अंदर जो हाई वेटेज वाली चीजें उस पर तो हमने बहुत मेहनत करी हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन पूरी की पूरी थ्योरी इनका रिविजन किया हम एमसीक्यू कंपाइलर सीरीज के अंदर भी इन सारी चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन सर जिन चीजों को मैंने कैटेगरी सी में डाला है क्या हम उनको भूल जाएं क्या हम उनको इग्नोर कर दें गलत बात आई नो कि उनकी प्रायोरिटी बाद में आ रही है बट इट नॉट मीन कि आप उसे स्किप कर दोगे और ओ सीरीज में उसी का एक सोल्यूशन लेकर आए आपके लिए तो आई होप आपने एक वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ओ सीरीज क्या है और उसका क्या शेड्यूल रहने वाला है तो अभी फिर से मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी लोगों का The only this much session for permutations. तो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर वन शॉट, एक बार में पूरा परम्यूटेशन टॉपिक करवाऊंगा और मजे की बात यह है सर कि यह ऐसा वीडियो है कि अगर आपने कभी परम्यूटेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है अगर आप उसे छोड़ चुके थे अगर आप उसे स्किप करने वाले थे और कुछ नहीं जानते इस चैप्टर के बारे में तो भी यह सेशन आपके लिए पूरी तरह यूजफुल है क्योंकि यहां पर मैं बहुत सारा कवरेज बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के क्वेश्चन सुपर फास्ट स्पीड ये नहीं करवाने वाला हूं यहां मैं कुछ चुनिंदा चीजें करवाने वाला हूं और इस मोड में कराने वाला हूं कि जो व्यक्ति इस चैप्टर को छोड़ के जा रहा था ना अगर उसने सिर्फ यह सेशन देख लिया ओनली दिस मच सिर्फ उसने अगर यह सेशन अटेंड कर लिया ओनली दिस मच तो भी उसको भाई उस चैप्टर में से थोड़े बहुत मार्क्स तो आई जाएंगे छोड़ने से तो बेटर ही होगा मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि चैप्टर तो तो को जब हम पेपर रेगुलर क्लास में करने जाते तो कई दिन लग जाते हैं तो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन मैंने आपके लिए ऐसा सॉल्यूशन निकाला है ताकि आप उन चीजों को कर पाओ जो आसान है क्लियर है सबको वाली बात ठीक है तो कुछ भी मत छोड़ो है करूंगा सेशन को, ठीक है ये हैशैग सभी लोग लाइव चैट में लिख दें जो बच्चे इसे रिकॉर्डेड देखेंगे वो कॉमेंट बॉक्स में लिखें भाई तो शुरू करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं वैसे तो आप जानते होंगे मुझे नहीं भी जानते तो बता देता हूँ मेरा नाम है प्रणव एम फर्स्ट एम सी ए With plus plus years of experience, after I am an educator Educator by 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 choice, choice, passion. passion. Taught 10,000 students at foundation and in intermediate level. Dil dil se se re, re, dil se re. थाउजेंड प्लस इंटरमीडियटल में पढ़ाता हूँ क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ाता हूँ अकाउंटिंग ओटीएम सीरीज क्या है बता चुका था अभी एक बार फिर बता चुका हूँ ये सारे चैप्टर्स में, में या ओटीएम अप्रोच में आपके लिए कवरेज करने वाला हूँ. शेड्यूल आपके सामने है सिर्फ एक टॉपिक का शेड्यूल अभी डिसाइड नहीं हुआ है कोरिलेशन रेगुलेशन लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया है कि वो भी मैं करवाऊंगा ना सिर्फ ओ सीरीज इसके अलावा बहुत सारी सीरीज हमारी चल रही है जो हो चुकी है और कुछ चल रही है तो आपको क्या करना है बस ये मेरा ट्रैकर का लिंक आपके पास लिख के रखना है अगर आप इस ट्रैकर में जाओगे तो आपको मेरे सारे इन इनसेशन की प्लेलिस्ट एक जगह पर मिल जाएंगी और इसके साथ साथ हम फ्री टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करते हैं तो पहला टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग का हो चुका है आप में से बहुत सारे लोगों ने अटेंड भी किया है और दूसरा टेस्ट एट्थ ऑफ दिसंबर मतलब कल होने वाला है सुबह साढ़े दस बजे इसी यूट्यूब चैनल पर तो चलिए भाई जो भी बातें इंफॉर्मेशन वाली आपको मुझे बतानी थी मैंने आप तक प्रोवाइड कर दी है और अब मेरे सारे प्यारे लर्नर्स जो हैं इस सेशन को देखने के लिए रेडी हैं तो मैं तो हूं तैयार अगर आप भी हैं तैयार तो जल्दी से लाइव चैट में विक्ट्री साइन दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट इन द काउंट ऑफ टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन चलिए शुरू करते हैं द ओनली दिस मच सेशन ऑफ से जो नोट्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं सिर्फ छह पेज के नोट्स हैं मैंने बोला ही था बहुत ज्यादा मैं नहीं करवाने वाला हूं बट ये छह पेज के जो एकदम क्रिस्प वाले नोट्स हैं अगर आपको भी चाहिए हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी नोट्स लिंक वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं ठीक है चलिए दोस्तों सबसे पहले ना मैं आपको रियलाइजेशन दिलवाना चाहता हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहले आप टोटल वाला कॉलम देखो तो मैं सिर्फ परम्यूटेशन नहीं मैं अगर पूरे चैप्टर की बात करूं चैप्टर एंड कॉम्बिनेशन अगर आप उसमें से देखो कि टोटल कितने नंबर का आता है तो कभी दो नंबर का कभी चार का कभी पांच का कभी कभी सात नंबर का भी आया कभी वापस से चार का कभी पांच का कभी आठ का भी आया कभी वापस से चार चार नंबर का मतलब तुम्हारे अटैंप में आठ नंबर का आ जाए ऐसा हो सकता है हो सकता है सर अब उन क्वेश्चंस क्वेश्चंस में से अगर तुम देखोगे कि इजी कितने आए हैं तो देखोगे मेजॉरिटी क्वेश्चन इजी इजी आते हैं जैसे अगर चार आया है तो दो easy, एक moderate, एक मॉडरेट टफ आए थे तो तीन इजी दो मॉडरेट दो टफ जब आठ क्वेश्चन आए थे तो छह इजी आए थे दो मॉडरेट और जीरो टफ इसका मतलब यह है एडवांस लेवल छोड़ो ना भाई उसको मैं नहीं बोलता तुम आठ में से आठ लाओ यार तुम आठ में से चार तो ले आओ तुम में से लिया तो ले आओ क्या प्रॉब्लम है तो आई होप आपको रियलाइजेशन हो गया है कि अगर हम सिर्फ इजी और मॉडरेट पार्ट जो हम इस सेशन में करेंगे अगर उतना भी हम अच्छे से कर लेते हैं ना तो हम कुछ तो लेके आ जाएंगे इस चैप्टर के अंदर कूल सर वेरी नाइस सबसे पहले एक बेसिक फंडामेंटल वाली आपके सामने बात करता हूं रूल्स ऑफ काउंटिंग रूल्स ऑफ काउंटिंग को मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ ये लीजिए सर सारे बच्चे एकदम स्क्रैच से समझना है आपको ठीक है मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है परमिटेशन का पी भी नहीं पढ़ा है ऐसा मान के भी चल रहा हूँ रूल्स ऑफ काउंटिंग देखो भाई मैंने तुम्हारे सामने रख दिए बिस्किट्स बिस्किट्स के तुम्हारे सामने तीन ऑप्शन है गुड डे ठीक है पार्ले जी और ओरियो। ऐसे तीन बिस्किट तीनों बिस्किट्स के एक एक पैकेट मैंने रख दिए और फिर सामने रखा है मैंने मान लो कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक में मैंने यहां आप पर आपके सामने रख दिया है लेट से पेप्सी पेप्सी और दूसरा रख दिया कोका कोला ठीक है तो दो कोल्ड ड्रिंक्स हैं आपके पास और तीन बिस्किट्स हैं अब मैंने तुम्हारे सामने दो एग्जांपल्स या दो क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं बताइए नंबर ऑफ वेस टू चूज आइदर वन बिस्किट और वन कोल्ड ड्रिंक ये पांच चीजें तुम्हारे सामने और तुम्हें इसमें से कोई एक चीज चुननी या तो कोई एक, कोई भी एक बिस्किट का पैकेट चुन लो या तो कोई एक कोल्ड ड्रिंक चुन लो दोनों नहीं ओवरऑल पांचों में से कोई एक चीज तुमको चुननी है तो हाउ मेनी चॉइस डू यू हैव कितनी चॉइसेस तुम्हारे सामने हैं कितने तरीके से तुम इस काम को कर सकते हो कितना कॉमन सेंस वाला सवाल मैंने तुम्हारे सामने रखा है कितने तरीकों से तुम ऊपर दिया हुआ काम कंप्लीट कर सकते हो तो मैंने बोला सर देखो बिस्किट में मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं बिस्किट में मेरे पास थ्री वेज हैं तीनों में से कोई एक बिस्किट को चूज कर लेता हूं और कोल्ड ड्रिंक में मेरे पास कोल्ड ड्रिंक में मेरे पास सर टू वेज हैं तो टोटल देखा जाए तो सिर्फ फाइव वेज है सर या तो ये तीन या तो ये दो कुल मिला के पांच वेज हो गए ठीक है सर ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपसे बोला जा रहा था कि आप ना बिस्किट और चॉकलेट दोनों नहीं लोगे बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक दोनों नहीं लोगे या तो एक बिस्किट लोगे या तो एक कोल्ड ड्रिंक लोगे वही अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा बदल दूं और लिख दूं नंबर ऑफ वेज टू चूज टू चूज वन बिस्किट वन बिस्किट एंड एंड वन कोल्ड ड्रिंक अब तुमको ओवरऑल एक नहीं चुनना है तीनों बिस्किट में से कोई एक चुनना है और दोनों कोल्ड ड्रिंक में से कोई एक चुनना है अब बताइए ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो टोटल वेज मतलब अब मेरे पास या तो ये या फिर या तो ये ऐसा नहीं है या तो बिस्किट ले लू या तो ड्रिंक नहीं नहीं बिस्किट भी मिलेगा कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी बट बिस्किट में तीन चॉइस और कोल्ड ड्रिंक में दो चॉइस है तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला बिस्किट और वो वाली कोल्ड ड्रिंक ये वाला बिस्किट और वो वाली कोल्ड ड्रिंक ये दूसरा वाला बिस्किट और पहली वाली कोल्ड ड्रिंक दूसरा वाला बिस्किट दूसरी वाली कोल्ड ड्रिंक तीसरा वाला बिस्किट और पहली वाली कोल्ड ड्रिंक तीसरा वाला बिस्किट और दूसरी वाली कोल्ड ड्रिंक ऐसे देखे जाए सर तो हमारे पास टोटल सिक्स वेज होते हैं तो बिस्किट को चूज करने के तीन वेज थे कोल्ड ड्रिंक को चूज करने के तुम्हारे पास टू वेज थे और क्योंकि लिखा हुआ है एंड बिस्किट एंड कोल्ड ड्रिंक एंड लिखा हुआ है तो टोटल वेज हो जाएगा थ्री टू जैसा अब कई बच्चों को क्या लगता है ये तो देखो रटवा दिया कि जब और लिखा हो, जब और और लिखा लिखा हो हो तो प्लस करना है थ्री प्लस टू और जब एंड लिखा हो ए एंड डी एंड लिखा हो मतलब दोनों ही करने तब मल्टीप्लीकेशन हाँ भाई मैंने रटवा दिया क्या कर लोगे बट डोंट वरी भाई मैं इसको कॉन्सेप्टुअली तुमको वेरीफाई भी करवा सकता हूं देखो ना भाई हो सकता है कि तुमने हो सकता है कि तुमने गुड्डे ले लिया हो और गुड्डे के साथ पैप्सी ले लिया हाँ हो सकता है हो सकता है तुमने गुडे के साथ कोका कोला ले लिया हो हो सकता है तुमने पार्ले जी और पैप्सी ले लिया हो।, हो सकता है तुमने पार्ले जी और कोका कोला ले लिया हो या फिर हो सकता है कि तुमने ओरियो और पैप्सी ले लिया हो या फिर हो सकता है ओरियो और कोका कोला तो बताओ ना भाई एक बिस्किट एंड एक कोल्ड ड्रिंक चुनने के टोटल कितने वेज हो गए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स वेरीफाइड है ठीक है सर इससे मैं तुम्हारे सामने लेकर आता हूं सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ काउंटिंग तो उसके अंदर मैं दो रूल तुमको बताता हूं अगर तुमको दिया जाए वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स टुगेदर. ऑप्शनली टुगेदर. मतलब बिस्किट भी चुनना है और कोल्ड ड्रिंक भी चुननी है दोनों थे तो इनटू लगाया तुमने

क्वेश्चन करो मेरे साथ एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ये लीजिए देयर आर टेन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिटी ए एंड सिटी बी द नंबर ऑफ वेज इन अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट फ्लाइट मान लो कि पुणे है और बैंगलोर है पुणे से मैं निकलता हूं बैंगलोर जाता हूं तो दस ऑप्शन हैं फ्लाइट के दस में से कोई भी एक फ्लाइट में चूज कर सकता हूं तो जब मुझे पुणे से बैंगलोर जाना है तो मेरे पास टेन वेज हैं टू डिसाइड कि मैं कौन सी फ्लाइट में जाऊं लेकिन जब बेंगलोर से पुणे रिटर्न आना है ना तो आपको क्या कंडीशन डाल दी क्वेश्चन में कि डिफरेंट फ्लाइट से रिटर्न आना है आपको तो रिटर्न आते समय तुम्हारे पास नाइन चॉइसेस हैं तो जाना भी है और आना भी है तो एक हो गया ऑनवर्ड ऑनवर्ड में तुम्हारे पास टेन वेज हो गए और दूसरा हो गया रिटर्न रिटर्न में तुम्हारे पास नाइन वेज हो गए तो टोटल क्या हो जाएगा क्योंकि जाना भी है और आना भी ऑप्शन नहीं है ऐसा नहीं कि या तो चले जाओ या तो आ जाओ अरे नहीं भाई जाऊंगा तो वापस भी आऊंगा ना तो जाना भी है एंड आना भी है तो टेन इंटू नाइन क्या ऑप्शन ए आप लोगों को मेरी बात समझ में आई बॉयज एंड गर्ल्स लेडीज एंड जेंटलमैन क्या ये बात अच्छे से क्लियर है सभी लोगों को <coughs> अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है सर क्या जो आपने अभी क्वेश्चन लिया ये पेपर में आया है उस अटेम्प्ट में जो बच्चा परमोटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ के गया था उसने बेवकूफी करी थी या नहीं करी थी बताओ एग्रीड और नॉट एग्रीड अगर उसने इतना सा सेशन देख लिया होता या इतना सा बेसिक भी पढ़ लिया होता मल्टीप्लीकेशन रूल वाला तो वो नब्बे नंबर का जो आंसर आ रहा है नब्बे जो वैल्यू आ रही वो एक मिनट से कम समय क्या भाई दस सेकंड में ले आता और एक नंबर प्राप्त कर लेता क्या आप भी ये मिस्टेक करना चाहते हो क्या आप भी चाहते हो कि आपके साथ भी ऐसा ही हो कि आप एक चैप्टर छोड़ के चले जाओ और उसमें से एकदम चिल्टुस्ट क्वेश्चन आया था और वो आपसे ना बने नहीं करेंगे ना बिल्कुल नहीं करेंगे ना

पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू बी बाय इलेवन डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इट इज अलाउड टू रिटर्न टू ए बाय अदर देन तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच द एंटायर जर्नी कैन बी कंप्लीटेड तो सर जाने के लिए इलेवन चॉइसेज है लेकिन आते समय किसी दूसरे वे से आना है हंड्रेड एंड टेन सेम टाइप का क्वेश्चन सर आपने सेम टाइप का क्वेश्चन क्यों लिया मैंने सेम टाइप के क्वेश्चन के लिए वो नहीं लिया है मैंने इसलिए लिया है सो दैट यू कैन रियलाइज की ऐसा क्वेश्चन तीन बार पेपर में आ चुका है

फाइव से गिनती शुरू करते हुए मल्टीप्लीकेशन करते चलो फाइव फोर थ्री टू वन उल्टी तरफ और अब मुझे टोटल बताओ कितना आ रहा है तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन सर यह आ रहा है हमारे पास कितना वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि फाइव से शुरुआत करी वन तक गया या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं कि वन से चालू करो मल्टीप्लीकेशन करना और फाइव तक जाओ सर एक ही बात है सर आर सेम थिंग राइट फैक्टोरियल अब फैक्टोरियल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, वो ही है, सर, जैसे कि, लिखा हुआ है तो मैं सिक्स फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन लिख सकता हूँ बताइए क्या वैल्यू आ रही है सर सिक्स फैक्टोरियल की वैल्यू आ रही है 720. इसके अंदर जितना पार्ट मैंने येल्लो से हाईलाइट कर दिया है क्या ये देखा देखा सा पार्ट लग रहा है सर ऊपर भी तो तो वही है तो क्या मैं सिक्स फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकता हूं फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या मैं 6 को ऐसा लिख सकता हूं कि सिक्स और फाइव मैंने मल्टीप्लाई कर दिए और जो फोर थ्री टू वन लिखा है ना उसको फोर फैक्टोरियल लिख दिया इससे तुमको एक यूनिक बात समझ में आती है वो ये कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें सिक्स फैक्टोरियल है तो पूरा उसको फाइनल वैल्यू में लिखना पड़ेगा यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम सिक्स फैक्टोरियल इन दिस वे ऑल्सो सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल लाइक दिस तो जहां रुकना है मेरे भाई वहां रुक जाओ लेकिन जैसे रुकोगे फैक्टोरियल लगा देना क्या ये बात क्लियर है अब इससे फायदा क्या होता है मैं समझाता हूं तुमको मान लो तुमको निकालना है नाइन फैक्टोरियल अपॉन सेवन फैक्टोरियल तो मेरे भाई फैक्टोरियल और सेवन फैक्टोरियल दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है is, हो गया? 7, 8, 9 72. समय बचा कि नहीं बचा क्या तुमको ये यूनिक बात फैक्टोरियल के बारे में समझ में आई सारे बच्चे ठीक है तो ये देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क अच्छा फैक्टोरियल का एक और सिंबल होता है दोस्तों

परम्यूटेशंस परम्यूटेशन का मतलब अगर मैं एक सिंपल शब्द में बोलूं तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट और ओनली अरेंजमेंट सर मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है मान लीजिए मैं तुमको ऐसा बोलता हूं कि देर आर फोर पर्सन ए बी सॉरी देर आर थ्री पर्सन ए बी सी फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन सिट इन अ टू सीटर बेंच मेरे भाई एक बेंच है दो सीट वाली एक बेंच है दो सीट वाली ठीक है और तीन लोग खड़े हैं अब तीन में से कोई दो लोग उस बेंच में बैठने वाले हैं मैं तुम्हारे सामने वो बेंच बना देता हूं जिसमें चेयर लगी हुई है ये बेंच है इसमें ऐसे दो जगह रखी हुई बैठने की एक ये है और एक ये जगह बैठने की समझ गए तुम किसी सरकारी दफ्तर के अंदर तुम गए और वो स्टील की नहीं होती चेयरें है ना जिसमें बीच में वो हाथ रखने का भी होता है ऐसी दो चेयर थी तुम्हारे पास एक और दो और खड़े थे तीन लोग अब ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ए बैठ जाए और बी बैठ जाए मतलब ए लेफ्ट साइड बैठ गया और बी राइट साइड बैठ गया ऐसा भी हो सकता है कि बी लेफ्ट में बैठ गया ए राइट में बैठ गया सर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी बजाय इसकी बजाय ऐसा भी हो सकता है कि ए लेफ्ट में बैठा और सी राइट में बैठा ऐसा भी हो सकता है सी लेफ्ट में बैठा और ए राइट right में बैठा सर ऐसा भी हो सकता है बी लेफ्ट में बैठा और सी राइट right में बैठा या फिर सी लेफ्ट में बैठा और बी राइट right में बैठा क्या आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से एवरीवन है ना ऐसा ऐसा हो सकता है सर तो ऐसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल तो आंसर विल बी व्हाट आंसर विल बी 6 आंसर विल बी 6 अब मैं अगर तुमसे पूछूं सिलेक्शनस नंबर ऑफ कितने इसमें तो देखो भाई पहले मैंने यह सोच के अरेंजमेंट निकाला कि ए और बी चुने गए हैं दिस इज वन सिलेक्शन दूसरा मैंने यह सोच के अरेंजमेंट निकाला कि ए और सी बैठेंगे चेयर में कैसे बैठेंगे की बात नहीं कर रहा हूं मैं कौन कौन बैठेंगे उसकी बात कर रहा हूं तो या तो ए बी बैठ रहे हैं या तो ए सी बैठ रहे हैं या तो फिर बी सी बैठ रहे हैं ये तीन हो गए अलग अलग सिलेक्शन या तो उन तीनों में से ए बी सिलेक्ट हुए हैं या तो वो तीनों में से ए और सी सिलेक्ट हुए या तो तीनों में से बी और सी सिलेक्ट हुए अब जो लोग सिलेक्ट हुए हैं ना वो भी आपस में ए बी बी ए सी सी ए बी सी सी बी ऐसे बैठ सकते हैं क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैंने क्या किया इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है सर इस एग्जाम्पल में मैंने सिलेक्शन भी किया है मतलब ये भी चुना है कि कौन कौन से दो लोग बैठ रहे हैं और साथ में फिर उनको अरेंजमेंट भी किया है तो ये जो हमारा सिक्स आया ना यही कहलाएगा नंबर ऑफ परम्यूटेशन परम्यूटेशन का मतलब मैंने तुमको क्या बताया साधारण शब्दों में साधारण शब्दों में मैंने परम्यूटेशन का मतलब बताया जहां सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होते हैं सर लेकिन आपने ये भी लिखा था सर सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट या फिर ओनली अरेंजमेंट इसका क्या मतलब है उस सवाल पर डिपेंड करता है एक और सवाल लेता हूं एक और एग्जाम्पल लेता हूं अब सुनो मेरी बात ध्यान से a and b yeah, a b c d are four persons to be seated <clears throat> at four places find the number of ways of arrangement. सर बस के अंदर चार लोग घुसे जैसे ही बस का एक स्टॉप आया बस का एक स्टॉप आया और उसके अंदर चार लोग घुसे किसी स्टॉप में चार लोग बैठे बस में और जब उन्होंने बस में ऐसे ऐसे देखा तो चार खाली जगह थी वहां पर और वो चारों जाके बैठ गए कैसे कैसे बैठ सकते हैं तो सर पहली खाली जगह दूसरी खाली जगह तीसरी खाली जगह चौथी खाली जगह ऐसे चार खाली जगह थी सर हो सकता है कि ए यहां बैठा हो फिर बी बैठा हो फिर सी बैठा हो फिर डी बैठा हो Osionfish. हो सकता है ए वहीं बैठा हो लेकिन बी भी वहीं बैठा हो लेकिन सी ऐसे डी सी बैठे हो ऐसे हो सकता है सर यहां पर बी पहले बैठ गया और फिर ए बैठा हो रुक जाओ एक काम कर देना ए बैठा हो फिर सी बैठा हो फिर बी बैठा हो फिर डी बैठा हो हो सकता है ए बैठा हो लेफ्ट में फिर सी बैठा हो फिर डी बैठा हो फिर बी बैठो हो सकता है ए बैठा हो फिर डी बैठा हो फिर बी बैठा हो फिर सी बैठा हो हो सकता है ए डी सी और बी बैठे हो अब तुम मुझे ये बताओ क्या मैं यहां पर पहले यह सोच रहा हूं कि चारों में से कौन बैठेंगे क्या मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं डायरेक्टली अरेंजमेंट में जंप कर रहा हूं सर जब चार लोग हैं और चारों को ही बिठानना है तो फिर चूज करने की जरूरत कहां है पिछले क्वेश्चन में तीन में से दो लोग बैठने वाले थे फिर एक रह जाता तो हमको तीन में से दो को चूज करना पड़ रहा था यहां पर हमको ऐसा कोई चूज करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि चार लोग हैं चार लोग हैं चार जगह हैं चार जगह बात खत्म समझ रहे हो भाई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है सो ए बी सी डी ए बी डी सी ए सी बी डी ए सी डी बी इस तरीके से अभी मैंने सिर्फ ए को लेफ्ट में रखते हुए अरेंजमेंट बनाया है इस तरीके से और हो सकता है तुम्हारा मान लो तुमने लिख दिया बी ए सी डी फिर तुमने लिख दिया बी ए डी सी फिर तुमने मान लो लिख दिया बी सी डी ए फिर तुमने लिख दिया बी सी ए डी फिर तुमने लिख दिया बी डी ए सी लास्ट में तुमने लिख दिया बी डी सी ए ऐसा भी हो सकता है सर अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई कहानी खत्म थोड़ी हुई है ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले सी बैठे तो सी ए बी डी सी ए डी बी सी बी ए डी सी बी डी ए सी डी ए बी सी डी बी ए और आखिरी एक और सीरीज बनेगी जिसमें डी पहले बैठ सकता है तो डी ए बी सी डी ए सी बी डी बी सी ए डी बी ए सी डी सी ए बी और डी सी बी ए इन ट्वेंटी फोर अरेंजमेंट के अलावा कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है मेरी गारंटी है ठीक है सर ये तो आपने बता दिया कि ये ट्वेंटी फोर अरेंजमेंट हो रहे हैं तो क्योंकि चार लोग थे क्योंकि चार लोग थे और चार जगह थी तो मुझे उसमें से किसी का चुनाव नहीं करना था कि चार में से किसको बिठा लो तो क्या आप समझ गए इट इज ओनली अरेंजमेंट तो सर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उस क्वेश्चन में अगर मान लो टोटल लोग ज्यादा हैं और बैठने वाले लोग कम हैं तो सिलेक्ट सिलेक्ट करके फिर अरेंज करना पड़ेगा लेकिन मान लो क्वेश्चन में जितने लोग हैं उतने ही लोगों को अरेंज करना है तो सिर्फ अरेंजमेंट हो गया सर दोनों ही केस में जो नंबर ऑफ वेज आए ना उसको हम परमिटेशन ही बोलेंगे ये बात क्लियर लेकिन अब मैं आपको एक बात फील करने की के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं मुझे बताओ ये मैंने जो ट्वेंटी फोर आंसर निकाला मैनुअली निकाला है डोंट यू थिंक की सर मैनुअली निकालने में तो बहुत प्रॉब्लम है सर एक तो टाइम ज्यादा लग रहा है दूसरा सर गलती भी हो सकती है हमसे हम कहीं पर भी ए बी सी डी यहां वहां खिसका दिए तो गड़बड़ हो सकती है हमसे तो डोंट यू थिंक दैट देयर शुड बी अ फॉर्मूला देयर शुड बी अ वे जिससे मैं ये ट्वेंटी फोर डायरेक्टली निकाल सकूं कितने लोगों को जरूरत महसूस हो रही है हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील द नीड फील द नीड फील द नीड ऑफ द थ्योरम दैट द नीड यस सर चलिए भाई अब तुमने तुमने जो है नीड फील करी है तो तुम्हारे सामने थ्योरम भी ले आऊंगा तो पहले मीनिंग समझ लो द वेज ऑफ अरेंजिंग और सिलेक्टिंग प्लस अरेंजिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन या तो तीन में से तुमने दो चूज करने वाला एक क्वेश्चन किया था या तो चार में से चार तो चार में से तीन भी चूज हो सकते हैं चार में से चारों भी हो सकते हैं स्मॉलर और इक्वल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन जहां पर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट में ध्यान दिया जाएगा ए बी को अलग काउंट किया जाएगा बी ए को अलग काउंट किया जाएगा ए सी को अलग काउंट किया जाएगा सी ए को अलग काउंट किया जाएगा मतलब किस सीक्वेंस में वो लिखा हुआ है अलग अलग काउंट किया जाएगा इसको बोलते हैं नंबर ऑफ परमिटेशन अब तुम्हारे सामने थ्योरम आ रहा है नंबर ऑफ परमिटेशन का जो कि मैं तुमको दिखा देता हूं एन पी आर बोलते हैं उसको और उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर ओल फैक्टोरियल अब मैं पहले एन का मीनिंग बताता हूं एन मतलब टोटल जितना है तुम्हारा और आर मतलब चूजन कितने तुमने चूज किए अब जैसे पहला सवाल था मेरा पहला सवाल था जो पहला एग्जाम्पल मैंने यहां पर किया था उसमें टोटल तीन लोग थे टोटल मेरे पास तीन लोग थे पर चूज मैंने दो लोगों को ही करना था क्योंकि सीट में दो ही लोगों की जगह थी तो अगर एन को तीन लेता हूं और आर को दो लेता हूं तो यहां पर मैं इसको कैसे लिखूंगा थ्री पी टू मतलब तीन में से दो लोगों को दो लोगों को पिक करके उनका अरेंजमेंट करना है मीनिंग समझे लॉजिक समझे सुनो भाई थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री माइनस टू फैक्टोरियल क्या आया थ्री फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल मतलब आंसर सिक्स क्या तुम्हारा आंसर सिक्स आया था चेक करो जाके ऊपर अरे भाई साहब ये तो सही है यार हमारा तो समय बच गया यार अरे सर समय तो तब बचेगा जब तुम अगले सवाल को करोगे तुम्हारे पास चार लोग थे और तुमको चुनना था चार लोगों को फोर पी फोर फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर माइनस फोर होल फैक्टोरियल तो ये हो गया तुम्हारा फोर फैक्टोरियल अपॉन जीरो तो सही है, 24 आंसर आ गया। है ना समझ समझे मेरी बात को अब क्या हुआ तो अब जो चीज तुम मैनुअल कर रहे थे वो सीधे फॉर्मुले से आ रही है अब मैं फॉर्मुले की थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूं निकालिए सारे बच्चे व्हाट इज व्हाट इज सेवन पी फोर सेवन पी फोर की वैल्यू क्या होगी सर सेवन पी फोर की वैल्यू होगी सेवन फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेवन माइनस फोर होल फैक्टोरियल क्या समझे एन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल तो सेवन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेवन माइनस फोर फैक्टोरियल तो ये हो गया सेवन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल सेवन इंटू सिक्स

जितनी आर की वैल्यू है उसको ध्यान से देखो आर की वैल्यू कितनी आ रही थ्री आ रही आर की वैल्यू सेवन को पीछे ले चलो तीन बार बस बात खत्म सॉरी था ना बस उसको चार बार पीछे ले चलो सेवन सिक्स फाइव फोर लो भाई एक दो तीन चार आ गया आंसर वही आएगा कोई फैक्टोरियल नहीं कोई मगजमारी नहीं सर जितनी आर की वैल्यू दी होती है जितनी भी आर की वैल्यू गिवन होती है आर की वैल्यू फोर है उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उतने ही लोगों को आपस में मल्टीप्लाई करना है क्या समझे जितनी आर की वैल्यू होगी उतने ही लोगों को आपस में मल्टीप्लाई करना है अब सुनो तो एक और चीज सर नाइन पी थ्री नाइन पी थ्री का क्या हो जाएगा सर सर आएगा 8 आएगा 7 आएगा क्यों सर? अरे भैया आर की वैल्यू तीन है तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स लेने तीन तो नौ से शुरुआत करो तीन फैक्टर ले लो बात खत्म नाइन इंटू एट इंटू सेवन क्या सभी को शॉर्टकट समझ में आ गया कि ये फाइव जीरो फोर कैसे लाया मैं बस तो थ्योरम पहले तो मैनुअल बताया फिर थ्योरम बताया फिर थ्योरम का भी शॉर्टकट बता दिया क्या बात है सर मजा आ गया गया आगे बढ़ते हैं सो so, ये हो गया थ्योरम अच्छा एक कॉमन सेंस वाली बात है कि एन की वैल्यू कभी भी आर से छोटी नहीं हो सकती क्या मैं कभी ऐसा बोलूंगा कि अरे ओ भाई वहां पर चार बेंच रखी हुई है और पांच लोगों को बैठना है ऐसा नहीं होता सर सर हम घुस घुस के बैठ लेंगे अरे भाई मैथमेटिकली नहीं होगा ठीक है शॉर्टकट ऑफ थ्योरम में समझा चुका हूं तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है कि स्पेशल फॉर्मुला है जिसका कोई डेरिवेशन नहीं बताऊंगा बस याद रख लो कभी डायरेक्टली भी पूछा जा जाता है क्वेश्चन में एन प्लस माइनस एन फैक्टोरियो एन इंटू एन फैक्टोरियल तो जैसे कि मान लो तुमको निकालना है सेवन फैक्टोरियल माइनस सिक्स फैक्टोरियल तो तुम सिक्स इंटू सिक्स भी उसको लिख सकते हो सेवन फैक्टोरियल माइनस सिक्स सिक्स इंटू सिक्स ठीक है सर अब जो तुम्हारे सामने में क्वेश्चन लेके आया हूं ना उसको मेरे साथ ध्यान से पढ़ना यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम इन चीजों को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं जो फैक्टोरियल में हमने चीजें सीखी ना उसको कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर तो ये नवंबर अठारह में सवाल आया था ध्यान से देखिएगा सर वन अपॉन सेवन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एट फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन अपॉन नाइन फैक्टोरियल सर इसको सिंपल बनाने के लिए मुझे फैक्टोरियल को हटाने की कोशिश करनी चाहिए ठीक है सर तो वन अपॉन सेवन फैक्टोरियल को वैसे रहने दो क्या मैं एट फैक्टोरियल को लिख सकता हूं एट इंटू सेवन फैक्टोरियल बताइए भाई क्या मैं वन अपॉन एट फैक्टोरियल लिखा है उसमें से जो एट फैक्टोरियल है उसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं एट इंटू सेवन फैक्टोरियल और एन अपॉन नाइन फैक्टोरियल लिखा है ना तो मैं इसको लिख सकता हूं नाइन इंटू एट इंटू सेवन फैक्टोरियल सर आपने क्यों जानबूझ के सेवन सेवन में जाकर रोक दिया ताकि लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं वन अपॉन सेवन फैक्टोरियल कॉमन निकालूं तो अंदर बच है वन और प्लस हो जाए वन अपॉन एट सिमिलरली राइट हैंड साइड में हो जाएगा वन अपॉन सेवन फैक्टोरियल और ब्रैकेट ओपन वन अपॉन नाइन इंटू एट समझे क्या सो नाइन इंटू एट विच इज सेवेंटी टू तो सेवन ये दोनों कैंसिल हो गए कैंसिल हो गए ये हो गया एन और एट वन एट प्लस वन नाइन अपॉन एट इज इक्वल्स टू एन अपॉन सेवेंटी टू तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन की वैल्यू आपको right right आई बात समझ में सबको भाई साहब आई बात समझ में नवंबर अठारह एटी वन ठीक है सर तो जो हमने वो स्पेशल ट्रिक समझी फैक्टोरियल की वो हमारी यहां पर यूज हुई ठीक है ये जून नाइनटीन का क्वेश्चन बहुत प्यारा है मैं एक एग्जाम्पल से तुमको समझाता हूं सारे बच्चे मुझे बताइए की ट्वेंटी फोर फोर पी थ्री की वैल्यू निकालो कितनी आएगी फोर पी थ्री की वैल्यू सर फोर इंटू थ्री इंटू टू मल्टीप्लाई वन मत करना सर सेम ही तो आएगा तो लास्ट में तू अगर मल्टीप्लाई वन नहीं भी कर रहा है तो भी तो सेम आ रहा है यही सेम चीज तू देख यहां पर सेवन पी सेवन कितना आता है सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन सेवन ट्वेंटी आएगा नहींवन फाइव जीरो फोर जीरो आएगा हाँ सर फाइव जीरो फोर जीरो आएगा वही अगर मैं तेरे से बोलूं भाई कि सेवन पी सिक्स निकाल सेवन पी सिक्स तो सेवन तो लेना ही है सिक्स भी लेना है फाइव भी लेना है फोर भी लेना है थ्री भी लेना है लास्ट में सिर्फ वन ही तो नहीं आएगा तो वैल्यू तो वही रहेगी ना तो अब समझो अगर मैं यहां पर लिखू एन पी एन या फिर एन पी एन माइनस वन निकालू बात तो वही होनी है ना तो जितने नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं उतना ही अगर आर की वैल्यू है उससे जो वैल्यू आएगी वही एनपीएन माइनस वन से भी आएगी ठीक है ना तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अगला सर ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन अब ऐसे सवालों के लिए तुमको थ्योरम काम आता है या ऑप्शन काम आता है दोनों से कर सकते हो जैसा तुमको चूज करना हो तो थ्योरम पता जरूर होना चाहिए भले मैंने बता दिया दिया फिर फिर भी थ्योरम पता होना चाहिए जैसे पर दिया है NP3, तो तुम लिख सकते हो, N N 3 फिर में लिख सकते सकते हो N N 2 यहां आ गया 3 1, अब हो फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन होल डिवाइड में और डिवाइड में कर दिया एन फैक्टोल थ्री बाय वन अब क्या होगा मेरे भाई ये एन फैक्टोर थ्री थ्री मतलब एन की वैल्यू 5। जब एन की वैल्यू तुम्हारी आ गई फाइव तो वही तो तुमको चाहिए था सर ऑल्टरनेटिव तरीका था क्या बिल्कुल था अगर मैं ऑप्शन ए यूज करता और एन की जगह फाइव लेता तो मैं निकालता पहले फाइव पी थ्री क्या वैल्यू आती है तो थ्री रेशियो बना जाएगा तो किसी भी तरीके से करो वो आपकी चॉइस है लेकिन मैं आपको जो है कॉन्सेप्टुअली दोनों बातें बता चुका हूं कि क्या हो रहा है ठीक है फिर देखिए आप आसान सवालों में पेपर में और कौन से आसान सवाल आए तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि यार ऐसे सवाल अगर हम छोड़ के आएंगे पेपर में तो कैसे मतलब निकलेगा की क्या होगी? अब आपके ऊपर चॉइस है आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो मान लो आपने वैल्यू ले ली फोर ऑप्शन ए फोर पी फोर निकाला कितना आया ट्वेंटी फोर फिर ट्वेंटी टाइम्स ऑफ फोर पी टू निकाल के देखो कितना आएगा फोर पी टू होता है फोर इंटू थ्री ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी किया टू फोर्टी आ रहा है नहीं मैच कर रहा ये गलत हो गया ऑप्शन बी लिया एन की वैल्यू टू तुमने निकाला सर एन की वैल्यू टू तो हो ही नहीं सकती क्यों क्योंकि एन की वैल्यू आर से छोटी होती नहीं है तो ऑप्शन बी तो सीधे गलत हो गया ऑप्शन सी लिया एन की वैल्यू फाइव फाइव पी फोर निकाला तो फाइव पी फोर आएगा वन ट्वेंटी और फाइव ट्वेंटी टाइम्स ऑफ फाइव पी टू निकाल के देखो कितना आता है फाइव पी टू होता है फाइव इंटू फोर ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर हंड्रेड नहीं मैच कराना नहीं मैच कराना खत्म फिर आता है डी एन की सेवन इंटू सिक्स इंटू फोर सर ये आ रहा है एट हंड्रेड एंड फोर्टी और अब ट्वेंटी टाइम्स ऑफ सेवन पी टू निकाल के देखिए कितना आ रहा है तो सेवन पी टू होता है सेवन इंटू मैच करके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तो कोई थ्योरम कुछ लगाने की जरूरत नहीं सीधे ऑप्शन डाल डाल के एन की वैल्यू में बदल बदल के देखा जहां हमारे LHS, RHS मैच करके वो हमारा डन है मजा आ रहा है सबको भाई समझ आ रही चीजें हाउ इज द जोश हाउइजन अगर वीडियो तुमको हेल्पफुल लग रहा है अगर तुमको लगता है काम की चीज है अपने दोस्तों तक भी पहुंचा और वीडियो को लाइक कर सकते हो भाई कोई जीएसटी नहीं लग रहा वीडियो लाइक करने में कोई जीएसटी नहीं है अब ये दिसंबर 21 वाला क्वेश्चन देख के तो तुम्हें लगेगा वाह भाई वाह मिल जाए हमको ऐसा सवाल पेपर में मजा आ जाए एन पी टू की वैल्यू है बारह तो एन की वैल्यू क्या होगी टू पी टू तो होगा नहीं क्योंकि जैसा हो गया। फिर से जून ट्वेंटी टू का क्वेश्चन आया इसमें भी तुम एन डाल के देख सकते हो मान लो तुमने ऑप्शन ए डाला तो ए क्या हो गया फोर फैक्टोरियल अपॉन टेन तो एल एच एस की वैल्यू क्या आ गई ट्वेंटी फोर अपॉन टेन विच इज कमिंग टू टू पॉइंट फोर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालो 4 1 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 1 एन एन तो कैंसिल हो गए ये तो तो टू ही फैक्टोरियल बचा भाई तो ये तो थ्री बचेगा तो मैच नहीं कर रहा है फिर ऑप्शन बी लेता हूं मैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 क्या होता है 5 फैक्टोरियल 120 अपॉन 10 आंसर क्या आया 12 आंसर आया 12 अब फाइव यहां रख के देखो तो हो जाएगा फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड एन एन कैंसल फोर कितना है. अच्छा, और तुमको देख रहे हो यहां पर अब कुछ बड़ी इक्वेशन नहीं है ये ध्यान से देखेगा ना तो एन एन कैंसल थ्री माइनस वन बचा टू तो आर एच एस तुम्हारा एक्चुअली सिर्फ इतना है सिर्फ इतना, N 1 2 इतना सा है तुम्हारा आर एच एस समझ गए चलिए सर तो सारे बच्चों को परम्यूटेशन क्या था ये समझ में आया परम्यूटेशन का जो जोरम और फैक्टोरियल की बातें बाते बताई वो समझ में आया और उनसे जुड़े हुए डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं वो समझ में आए अब बारी है वर्ड प्रॉब्लम्स नंबर फॉर्मेशन एक्सेट्रा की जहां पर तुमसे क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि मैं परमिटेशन निकालने को बोल रहा हूं वहां क्वेश्चन परम्यूटेशन का रियल लाइफ एप्लीकेशन बताएगा सबसे पहला एप्लीकेशन है नंबर फॉर्मेशन मतलब अगर मैं तुमसे बोल दू सर क्या बोल दोगे अगर मैं तुमसे बोल दू भाई कि तुम्हारे पास ये तीन डिजिट्स हैं फोर सिक्स और टू और अब मैं तुमसे बोलता हूं इससे कितने नंबर ऑफ डिफरेंट थ्री डिजिट नंबर्स बनेंगे तो क्या तुम मुझे बताओगे क्या होगा सर देखो फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी टू भी बन सकता है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स भी बन सकता है 246 भी बन सकता है, 264 भी बन सकता है 642 भी बन सकता है और 624 भी बन सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं क्या क्या? तो इसका मतलब यह हुआ सर कि डिजिट्स की अरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं हम लोग तो अगर तुमसे कोई मेनी नंबर तुम बोलोगे कि मुझे सिर्फ यह पता करना है कि डिजिट्स के अरेंजमेंट कितने आ रहे हैं मतलब निकालना है। तो अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास तीन डिजिट है और अगर मैं ये मान लो कि मुझे तीन डिजिट का ही नंबर बनाना है तो थ्री पी थ्री आंसर इज सिक्स मैच कर गया सवाल को बदलता हूं मान लो मेरे पास है डिजिट टू थ्री सिक्स और एट ये चार डिजिट्स हैं और अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट थ्री डिजिट नंबर्स बताइए कितने थ्री डिजिट नंबर्स बनेंगे तो तुम बोल दो कि सर देखो अब मेरे पास चार डिजिट्स की चॉइसेस हैं मतलब चार ऑप्शंस हैं लेकिन मुझे उसमें से चूज करने सिर्फ तीन एक को हटाना होगा तो सिलेक्शन भी आ गया अरेंजमेंट भी आ गया फोर पी थ्री कितनी वैल्यू आ रही थ्री जे ट्वेल्वी फोर डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल हैं क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई दोस्तों है ना जी एवरी वन गुड ये हो गया सर हमारा नंबर फॉर्मेशन तो अब ये पहली वाली बात समझिए कि जब हम नंबर फॉरमेशन पढ़ रहे हैं तो हम परम्यूटेशन क्यों यूज कर रहे हैं सर कोई भी नंबर को बनाने के लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है गिवन डिजिट्स का सो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर बन सकते हैं नंबर बनाए थे 462, सर ऐसा भी तो नंबर बन सकता है फोर तो सर यहां फोर रिपीट हो गया ना तो क्वेश्चन में कहां लिखा था कि रिपीट नहीं होगा अब ध्यान से सुनो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम यही अज्यूम करेंगे कि एक डिजिट को एक ही बार यूज किया जा सकता मल्टीपल बार यूज नहीं किया जा सकता मतलब फोर फोर्टी सिक्स नहीं बनाया जा सकता हम एक ही डिजिट को मल्टीपल टाइम्स सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन अलग से स्पेसिफाई करे अदरवाइज एक डिजिट एक ही बार यूज होगी वही वाला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है मेरे भाई तो वी कैन अज्यूम दैट द डिजिट्स विल नॉट बी रिपीटेड इन द फॉर्मिंग ऑफ नंबर ठीक है थोड़ा सा और वैरायटी लाते हैं इसके अंदर मान लो तुमको मैं डिजिट्स दे देता हूं टू थ्री जीरो और सेवन ये तीन डिजिट्स मैंने दिए अब तुम मुझे बताओ कितने थ्री डिजिट नंबर बनेंगे तो सारे बच्चे मेरे को बोलेंगे सर एक बनेगा तीन सो सात एक बनेगा तीन सौ सत्तर एक बनेगा सात सौ तीन एक बनेगा सात सौ तीस और एक बनेगा जीरो तीन सात और एक बनेगा जीरो सात तीन तो मेरे भाई क्या ये थ्री डिजिट नंबर है भी कि नहीं एक्चुअली सर नॉट अ थ्री डिजिट नंबर अब कहानी में आया ट्विस्ट अब तुम परमिटिशन के फॉर्मूले को डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर पाओगे तो जहां पर जहां पर कुछ कंडीशनल हो जाता है वहां पर थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ता है डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्वेश्चन को स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ता है कैसे मैं बताऊंगा लेकिन कितने बच्चों को यह समझ में आ रहा है कि अगर कोई थ्री डिजिट नंबर तुम्हें पता करना है इट के नंबर जीरो का नंबर हुआ जीरो सेवन थ्री तो एक टू डिजिट का नंबर हुआ 0, 7, तो हुआ, पर यहां पर आंसर तो सिर्फ और आ रहा है मैनुअली बताया सॉल्व कैसे करोगे मैं सॉल्व करना तुमको बताऊंगा डोंट वरी बट पहले तुम मुझे ये बताओ किसी क्वेश्चन में जीरो का होना अपने आप में कंडीशन है या नहीं क्वेश्चन ने भले अलग से तुमको कोई कंडीशन ना बोली बट माय क्वेश्चन इज क्वेश्चन में जीरो का होना अपने आप में इज इट अ कंडीशन येस और नो टेल मी गाइस यस सर करेंगे कैसे मैं बताऊंगा लेकिन जीरो का होना अपने आप में कंडीशन है इस बात को रियलाइज किया तुमने यस सर सो इफ देयर इज अ जीरो इट कैन नॉट कम टू द फर्स्ट प्लेस ऑफ द नंबर डेफिनेटली सर नंबर के प्रथम वाले डिजिट में जीरो नहीं आ सकता और क्या कंडीशंस पूछी जाती है क्वेश्चंस के अंदर और भी कंडीशन पूछी जाती है जैसे आपसे ये बोल देता है कि बताओ भाई तुम्हारे पास है टू थ्री और सिक्स और तुमसे ये बोल रहा है फाइंड फाइंड थ्री डिजिट नंबर्स मोर देन मोर देन हंड्रेड सर सॉरी मोर देन थ्री हंड्रेड ऐसे थ्री डिजिट नंबर बताओ जो तीन सौ से बड़े हो अरे ध्यान से सुनना सिर्फ ऐसे तीन डिजिट नंबर तुमको लेने हैं जो तीन सौ से बड़े हो अब मुझे बताओ क्या ये सारे नंबर आएंगे इसमें टू थर्टी सिक्स टू सिक्सटी थ्री थ्री सिक्सटी टू थ्री ट्वेंटी सिक्स सिक्स ट्वेंटी थ्री एन सिक्स तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि क्या ये जो पहले दो नंबर हैं क्या ये क्वालिफाई करेंगे नो दे आर लेस देन 300 तो ऐसे सवालों को भी कंडीशन ही कर करना है तो मैंने अभी तुमको ये नहीं सिखाया कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे बट मैं तुमको अभी ये रियलाइज करवा रहा हूं और क्या तुम वो रियलाइज कर पा रहे हो कि अगर कभी ऐसा सवाल भी आ गया तो उसमें भी डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा कुछ तो अलग करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर तो सिक्स आएगा लेकिन सर इसका आंसर तो सिक्स है नहीं इसका आंसर तो फोर है तो मैनुअली तो फोर निकल गया लेकिन सर बड़े क्वेश्चन में आप कैसे निकालोगे आंसर वो आप एग्जाम्पल से बताओगे बिल्कुल बताऊंगा क्वेश्चन से बताऊंगा चिंता क्यों कर रहे हो तुम ठीक है चलो उसके बाद सर एक टॉपिक आता है हमारे पास जहां पर ये बोलता है कि इतने डिजिट हैं उनसे कितने पॉसिबल नंबर बनेंगे ये बताओ और उन सारे नंबर का सम बताओ सम

एकदम इजी लेवल की बजाय मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में आ चुके हो तो मॉडरेट भी तुम कर सकते हो यार इतना तो अपने आप में भरोसा रखो दोस्त सर बिल्कुल भरोसा सर बिल्कुल करेंगे हाउ मेनी फोर डिजिट हाउ मेनी फोर डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट जीरो वन टू थ्री फोर सेवन एट सबसे पहले देखो डिजिट्स कौन कौन से जीरो है वन है टू है थ्री है फोर है सेवन है और एट है ठीक है

मैंने क्वेश्चन को चार भागों में बांट दिया पार्ट वन पहली डिजिट को फिल कैसे किया जाए दूसरी डिजिट को फिल कैसे किया जाए तीसरी डिजिट को कैसे फिल किया जाए और चौथे डिजिट को सो रादर देन सेइंग कि कितने तरीके से मैं एक फोर डिजिट नंबर बना सकता हूं अब मैं उस क्वेश्चन को स्प्लिट कर रहा हूं कैसे सर पहले डिजिट को डिसाइड करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं एंड दूसरे डिजिट को डिसाइड करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं एंड डिजिट को डिसाइड करने के कितने नंबर ऑफ़ बीच में end, end, end बोल रहा हूं, तो जो भी इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे देखते हैं डोंट वरी सो पहली प्लेस पर सर क्या क्या आ सकता है पहली प्लेस पर क्या क्या आ सकता है सर पहली प्लेस पर कोई भी नंबर आ सकता है कोई भी नंबर आ सकता है एक्सेप्ट जीरो अच्छा आखिरी प्लेस पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं लास्ट प्लेस पर सर लास्ट प्लेस पर क्योंकि हमको ऑड नंबर निकालना है तो या तो वन आएगा या तो थ्री आएगा या तो सेवन आएगा तो जिन चीजों में कंडीशन दी हो ना उनके नंबर वेज पहले निकाल दो जिन जिन पार्ट में कंडीशन दी हो ना उसको पहले निकाल दो तो देखो एक यहां पर कंडीशन दी है दैट जीरो कैन नॉट कम और यहां कंडीशन दी है

कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कौन कौन से नंबर लिए जा सकते हैं सर ओनली वन थ्री एंड सेवन सो टोटल नंबर ऑफ़ वेज हो जाएगा थ्री क्या आपको समझ में आया तो फोर्थ डिजिट को फिल करने के कितने तरीके? Digit, one, three, so, उसके बाद मैं गया, वाले में जीरो मैंने ये बोला कि यहां पर जीरो वाले नंबर में जीरो फर्स्ट वाले, uh, वाले डिजिट में जीरो नहीं आ सकता ठीक है नहीं आ सकता लेकिन मुझे बताइए लेकिन मुझे बताइए बाकी के नंबर तो आ सकते हैं हां सर आ सकते हैं लेस लेस वन यूज अब समझो भाई पहली डिजिट पर पहली प्लेस पर जो हमारा थाउजेंड प्लेस था पहली प्लेस पर जीरो को छोड़ के वन टू थ्री फोर सेवन ये छह के छह डिजिट आ सकते थे लेकिन इन छह डिजिट में से कोई एक डिजिट कहीं और काउंट कर चुके हो तो मतलब वन थ्री और सेवन में से कोई एक यूज कर चुके हो तो दो दो बार थोड़ी यूज होगा रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है ना तो अगर तुमने आखिरी वाली आखिरी वाली प्लेस के नंबर ऑफ वे थ्री निकाल दिए मतलब मतलब वन थ्री और सेवन में से एक तुमने वहां पर पिक कर लिया एक की जगह बना दी तो अब उन तीनों में से कोई दो ही यहां पर आ पाएंगे इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा सिक्स माइनस वन कितने बच्चों को समझ में आया कि मैंने अब फाइव वेस्ट क्यों लिखा हुआ है बताओ 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 सोचो जल्दी और बताओ मुझे क्या आपको समझ में आया मैंने यहां फाइव क्यों लिखा एक तो जीरो नहीं आ सकता और एक तो वो नहीं आ सकता जो ऑर्ड नंबर आखिरी जगह पर यूज हो गया है। अब हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं है अब मैं क्या बोलूंगा सर आगे में नो कंडीशन देर इज नो कंडीशन लेकिन रिपिटेशन तो नहीं होगा ना यहां भी नो कंडीशन है लेकिन रिपिटेशन तो नहीं होगा ना तो सेकेंड प्लेस पर सेकेंड प्लेस पर तो मेरे पास तीन और तीन छ और एक साथ कोई भी आ सकते हैं लेकिन उन सेवन डिजिट्स में से दो डिजिट अब यूज हो चुके हैं टोटल सेवन मेरे पास टोटल एलिजिबल एलिजिबल हैं पर उन में से दो डिजिट ऑलरेडी यूज हो चुके होंगे तो बचे कितने अगेन फाइव और आखिरी वाले पार्ट में जाऊंगा तो वहां भी मैं यही बोलूंगा कि मेरे पास सेवन अवेलेबल डिजिट्स हैं जो एलिजिबल हैं लेकिन उसमें से कोई तीन तो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं तो अब बचेंगे सिर्फ चार अच्छा यहां पर मैंने एंड बोला था यहां पर भी एंड बोला था यहां पर भी एंड पहली प्लेस को चुनने के पांच तरीके दूसरी प्लेस को फिल करने के पांच तरीके तीसरी प्लेस को फिल करने के चार तरीके और आखिरी प्लेस को फिल करने के तीन तरीके तो भैया टोटल वेज अगर तुम रूल्स ऑफ काउंटिंग के हिसाब से निकालने जाओगे तो फाइव इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री तो आंसर आ गया थ्री हंड्रेड कैसा लगा सवाल भाई था लेवल मजा आया बट क्या समझने योग्य नहीं है अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है नहीं समझ पा रहे हो तो इसको एज अ लोड मत लेना ठीक है है एज अ लोड मत लेना मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल एट डिजिट्स थे चार प्लेसेस में हमको इनको भरना था सिंपल क्वेश्चन होता तो एट पी फोर नहीं एट नहीं टोटल सेवन डिजिट्स थे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन होता तो मैं सेवन पी फोर करके आंसर निकाल देता लेकिन सर दो दो कंडीशन छुपी हुई है एक तो ऑड नंबर होना चाहिए दूसरा तुम्हारे डिजिट्स में जीरो भी है तो जीरो पहली डिजिट पर नहीं आ सकता तो अब यहां पर मेरे पास दो कंडीशन हो गई पहली ये कि आखिरी प्लेस पर सिर्फ ऑड नंबर आएगा और दूसरी ये कि सबसे पहली प्लेस पर जीरो नहीं आ सकता सबसे पहली प्लेस पर जीरो जो है वो नहीं आ सकता तो आखिरी प्लेस पर सिर्फ तीन चॉइसेस है चॉइस ट्रू अब उसमें से कोई एक डिजिट वहां पर ऑलरेडी यूज हो गया अब पहली प्लेस पर आए तो मेरे पास जीरो को छोड़ के बाकी छह डिजिट्स थे पर उसमें से एक यूज हो चुका था सिक्स माइनस वन मैंने फाइव लिया फिर टोटल सेवन थे दो यूज हो गए तो तो फिर 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 लिया टोटल है उसमें से यूज़ हो गया फिर फिर 3 यूज़ हो गया फिर 3 बच गया। ये हो सर हमारा तो पर मैंने आप सिंपल सवाल लेते हैं सर, हम ये वाला नवंबर जुलाई ट्वेंटी जो क्वेश्चन आ चुका है

लेकिन बोल दिया विच आर नॉट डिविजिबल बाय फाइव गिवन दैट इट इज अ फाइव डिजिट नंबर एंड डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग अब समझो भाई फाइव डिजिट नंबर सॉरी कोई भी नंबर डिविजिबल बाय फाइव तभी होता है कोई भी नंबर डिविजिबल बाय फाइव तभी हो सकता है कोई भी नंबर डिविजिबल बाय फाइव तभी हो सकता है इफ इफ द लास्ट प्लेस इज और five. तुम सोचो ना एक बार की किसी को. Ten, fifty, अरे हाँ यार तो कोई भी नंबर पांच से पूरी तरह तभी डिवाइड होता है जब या तो उसके अंत में पांच आ रहा हो या तो उसके अंत में जीरो आ रहा हो कितने बच्चे इस बात को रियलाइज कर पाए कर पाए ठीक है सर

तो आखिरी वाली प्लेस में सर ये कंडीशन है कि यहां पर फाइव शुड नॉट कम क्योंकि अगर आखिरी प्लेस में फाइव आ गया तो नंबर फाइव से डिवाइड हो जाएगा तो आखिरी प्लेस पर फाइव नहीं आना चाहिए ये कंडीशन तो बाकी सारे के सारे छह डिजिट्स अवेलेबल हैं हाँ सिर्फ एक अवेलेबल नहीं है दाइव तो वन आ सकता टू आ सकता थ्री फोर सिक्स पांच चॉइसेस हैं तुम्हारे पास आखिरी प्लेस को भरने की पांच चॉइसेस हैं सिर्फ फाइव ही तो नहीं आ सकता बाकी के रिमेनिंग पांच डिजिट तो यूज हो सकते हैं ना हो सकते हैं बस अब तो कहीं और कंडीशन है ही नहीं तो शुरू से चालू कर दो भरना टोटल मेरे पास टोटल मेरे पास सिक्स डिजिट से, हैं। से एक ऑलरेडी आखिरी में यूज हो गया बचे पांच। दो यूज हो गए बचे चार तीन यूज हो गए बचे, बचे तीन और दो यूज हो गए मतलब सॉरी तीन यूज हो गए चार यूज हो गए तो बचे दो तो। अब समझे क्या हुआ आखरी प्लेस को भरने सिर्फ पांच नंबर ऑफ वेज हैं। पहली प्लेस को भरने में कोई कंडीशन नहीं है कोई भी छह आ सकते हैं। पर एक डिजिट तो आखरी में यूज हो गया ना, क्योंकि तुमने उसको पहले कर कर लिया। तो अब पर नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो सेकंड प्लेस में कोई भी आ सकता है लेकिन वो दो यूज हो गए तो चार बची फिर तीन चॉइसेस बची फिर दो चॉइसेस बची लाइक दिस एवरीवन एवरीवन अच्छा सर जीरो तो है नहीं हमारे पास तो फिर जीरो लेने की कोई जरूरत है ही नहीं तो राइट आंसर क्या आ जाएगा सर फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू फाइव अगेन चेक करिए भाई कितना आ रहा है इज द राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है एवरी वन चलेगा एवरी वन चलो ओके okay. अब देखो सम वाला एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग है ना लेट्स डू अ क्वेश्चन फ्रॉम सम या फिर एक काम करते हैं पहले ये वाला कर लेते हैं सर ये इजी है पर मैं चाहता था कि मैं आपको बताऊं इसलिए मैंने इसको भी लिया एग्जाम में आया नहीं है बट ठीक है दिस वे शुड बी द नंबर ऑफ नंबर्स कितने नंबर ऑफ नंबर्स होंगे जो टेन और थाउजेंड के बीच में लाइक करेंगे कैन बी फॉर्मड विद द डिजिट्स टू थ्री फोर जीरो एट नाइन तो टेन और थाउजेंड के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो इनसे बनेंगे अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं टेन और थाउजेंड के बीच में जो नंबर्स होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं सर टेन से लेके नाइनटी नाइन तो टू डिजिट का नंबर होगा या फिर अगर जो आप नंबर ढूंढ रहे हो अगर वो थ्री डिजिट का है मतलब सौ के बाद का है तो वो थ्री डिजिट का होगा तो इसका मतलब सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया है ऐसा लिखने की बजाय कि

छुपा हुआ है जीरो अरे हाँ यार जीरो छुपा हुआ है तो क्या करें सर पहले दो प्लेसेस वाला एक वो बनाते हैं ये दो प्लेसेस वाला फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस तो सर पहली प्लेस में जीरो नहीं आ सकता तो कौन कौन आ सकता है टू थ्री फोर एट नाइन ये पांचों आ सकते हैं छः में से एक हटा दो पांच बचे और दूसरी वाली प्लेस में छः के छः आ सकते हैं लेकिन क्योंकि पहली वाली प्लेस ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है तो रिमेनिंग पांच ही बचे ना तो यहां आ जाएगा फाइव उसके बाद अगर मैं थ्री डिजिट के नंबर काउंट करने जाऊं, थ्री डिजिट के नंबर अगर आप काउंट करने जाओगे सर तो पहली प्लेस पर वहां पर भी छह में से एक नहीं आएगा जीरो जीरो डिडक्ट कर दिया बचे पांच अगली प्लेस पर टोटल छह में से जो पहली जगह आ चुका है उसको छोड़ दो बाकी सारे आ सकते हैं पांच और लास्ट में चार तो टू डिजिट नंबर के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी फाइव

क्या हम आगे बढ़ सकते हैं सर समझ में आई बात थोड़ी सी ठीक है ऑप्शन तो भाई अब समझे तुम रूल ऑफ काउंटिंग का कितना ज्यादा उपयोग है पहले जो हमने रूल ऑफ काउंटिंग पढ़ा तो बच्चों को का पता नहीं क्या ही काम की चीज है हर टॉपिक में बाद में यूज होता है वो हर टॉपिक में यूज होता है ठीक है चलिए सर अब दिसंबर ट्वेंटी टू का जो सवाल है सर उसको अपन को देखना पड़ेगा सर फिर लास्ट में सम वाला क्वेश्चन करते हैं है ना वीआईपी वाला ध्यान दीजिए बच्चे थ्री डिजिट के ऑड नंबर मेरे को बनाने थ्री डिजिट वाले ऑड नंबर मतलब पहली प्लेस पर तीन प्लेसेस है ना पहली प्लेस दूसरी प्लेस और तीसरी प्लेस जो तीसरी प्लेस है जो तीसरी प्लेस है ये वाली यहां पर सिर्फ एक ऑड डिजिट ही आ सकता है ओनली ऑड डिजिट मतलब कौन कौन से आ सकते हैं फाइव आ सकता है सेवन आ सकता है और नाइन ना आ सकता है थ्री वे लेकिन सर लेकिन सर जो तुम्हारी पहली दो प्लेसेस है वहां पर बाकी के कोई भी आ सकते हैं फाइव सिक्स एट नाइन पांच में से एक यहां यूज हो गया बचे चार और पांच में से दो यूज हो गए तो बचे तीन सर इस हिसाब से तो इसका आंसर थर्टी सिक्स आ रहा है फोर्थ थ्री जी ट्वेल्थ थर्टी सिक्स फिर आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा अब मैं तुमको वो क्लू बताता हूं छोटा सा पॉइंट सर डिजिट्स कैन बी रिपीटेड अरे भाई साहब जब कुछ ना लिखा हो तो डिजिट रिपीट नहीं होते लेकिन कुछ लिखा हो तो डिजिट रिपीट हो सकते हैं ना आप सुनिए सर जब डिजिट रिपीट हो सकते हैं तो वो जो हम माइनस वन माइनस वन करते थे ना वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आखिरी वाली प्लेस पर आखिरी वाली प्लेस पर हमारा फाइव सेवन या नाइन कोई भी आ सकता है फाइव सेवन या नाइन लेकिन पहली प्लेस पर पांचों के पांचों आ सकते हैं फाइव भी आ सकता है सिक्स भी आ सकता है 7 सर लेकिन 5 अगर लास्ट में यूज हो गया तो रिपीट करना अलाउड है ना मेरे भाई रिपीट करना अलाउड है तो वो जो मैं एक माइनस कर देता था ना वो करने की जरूरत ही नहीं है यहां पर भी मैं दो माइनस कर रहा था करने की जरूरत ही नहीं है सिर्फ एक ही जगह कंडीशन है तीसरे प्लेस पर कि वहां पर मेरा सिर्फ फाइव सेवन नाइन आना चाहिए सिक्स और एट नहीं आ सकता लेकिन पहली और दूसरी जगह में तो कोई भी डिजिट आ सकती है पांचों के पांचों रिपीट भी हो सकती है रिपीट भी हो सकती है तो आंसर क्या आ गया फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री तो मैं चाहता था कि रिपीटेशन वाला भी एक वेरायटी तुमको कवर करवा दू इसलिए मैंने यहां पर रिपीटेशन वाला क्वेश्चन भी कर लिया ठीक है जी चलिए सर अब आते हैं हम सम वाले क्वेश्चन में लेट्स कम टू द क्वेश्चन हैविंग सम हालांकि पेपर में कभी पूछा नहीं गया है बट यार पैटर्न है वैरायटी है मेरा दोनों ऑब्जेक्टिव है पेपर के लेवल्स भी दिखा दूं और हर वैरायटी भी मैक्सिमम कवर कर जाऊं ठीक है ध्यान दीजिएगा सम ऑफ ऑल द फोर डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट टू फोर सिक्स विदाउट रिपीटेशन इज समोर डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट टू फोर सिक्स रिपिटेशन आपको पता करना है ठीक है सर पहले हम ये पता करते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर सर चार डिजिट है कोई कंडीशन नहीं है तो फोर पी फोर ट्वेंटी फोर अब ना स्टेप्स फॉलो करेंगे ये वाले स्टेप्स सबसे पहला स्टेप आपने ऑलरेडी फॉलो कर लिया ये पता करके कि जो नंबर आपको जोड़ने हैं वो कितने नंबर ऑफ नंबर स्टेप फाइंड द फाइंडेशन वैल्यू ऑफ ईच डिजिट अब देखो भाई अगर मेरे पास ट्वेंटी फोर नंबर और मेरे पास चार डिजिट हैं इसका मतलब हर डिजिट हर जगह पर कितनी बार रिपीट होगा जब मैंने तुमको इसके पहले वो बड़ा सा क्वेश्चन करके दिखाया था ये वाला ए बी सी डी वाला ये तो तुम देख रहे थे यहां ए छह बार रिपीट हुआ था फिर यहां बी छह बार रिपीट हुआ था फिर सी छह बार रिपीट हुआ था हर हर एक एक प्लेस पर हर एक लेटर छह छह बार रिपीट हुआ था क्यों क्योंकि टोटल थे थे और छह छह ले, चार लेटर थे। तो टाइम सब लोग रिपीट हो रहे थे तभी तो कॉम्बिनेशन मतलब तभी तो पूरे अरेंजमेंट बन पाएंगे ना अब सुनो अब सुनो ट्वेंटी फोर नंबर चार डिजिट इसका मतलब यह हुआ हर एक डिजिट सिक्स टाइम्स रिपीट होगा और वो भी एट ईच प्लेस वंस प्लेस में भी टेंस प्लेस में भी हंड्रेड प्लेस में भी और थाउजेंड प्लेस में भी ठीक है अब सुनिए सर वॉट शुड बी द व्हाट शुड बी द रिपीटेशन ऑफ ईच डिजिट ये तो निकाल दिया ना मैंने फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स अच्छा ये रिपीट हो गया सर अब हम निकालते हैं सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट से हमारे पास टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट तो चार दो छह और आठ बीस और अब तुम निकालोगे सम सम ऑफ ऑफ डिजिट्स डिजिट्स एट ईच प्लेस एट ईच प्लेस हर एक प्लेस पर सम ऑफ डिजिट कितना है सर क्योंकि हर एक प्लेस पर सारे के सारे छः छः बार आ रहे हैं तो हर एक प्लेस पर वंस प्लेस पर भी एक सौ बीस सम आएगा हंड्रेड प्लेस पर, पर, पर भी और लास्ट में तुम अब निकाल दोगे ओवरऑल सम तो ओवरऑल सम निकालने के लिए तुम क्या करोगे पता तुम बोलोगे देखो भाई यूनिट पर भी एक सौ बीस आ रहा है ठीक है प्लस टें डिजिट पर भी एक सौ बीस आ रहा है प्लस हंड्रेड डिजिट पर भी एक सौ बीस आ रहा है प्लस और थाउजेंड डिजिट पर भी एक सौ बीस आ रहा है डन सर ओवरऑल बताइए कितना आंसर आगे ना वन 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 इंटू वन टी आंसर इज वन ट्रिपल थ्री टू जीरो हालांकि रेगुलर बैच में मैंने इसको भी मैनुअली पहले पूरा काउंट करके और इसका सम वेरीफाई करवाया था अभी वो पॉसिबल नहीं है इसलिए नहीं करूंगा लेकिन थोड़ा सा ट्रिक को समझ लीजिए छोटी सी ट्रिक है भाई कोई ज्यादा वो नहीं है वैसे तो पेपर में नहीं आता पहले नंबर ऑफ कितने फोर डिजिट नंबर कितने बनने वाले वो निकाला ट्वेंटी फोर फिर क्योंकि ट्वेंटी फोर डिफरेंट नंबर है और चार यूनिक डिजिट्स हैं तो हर डिजिट अपने आप में सर छह बार रिपीट होगा ये निकाल दिया तो छह बार तो हर डिजिट रिपीट होगा तो उसका सम कितना हो गया एक बार का सम है बीस तो छह बार का सम हो गया एक सौ बीस ये भी ठीक है सर एक बार का सम बीस छह बार का एक सौ बीस अब ये जो एक सौ बीस है वंस प्लेस पर भी है सेकेंड मतलब टेंस पर भी है हंड्रेड प्लेस पर भी और थाउजेंड्स प्लेस पर भी है तो वन ट्वेंटी इंटू वन वन ट्वेंटी इंटू टेन वन ट्वेंटी सर क्या हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते 120 और ले लिया बिल्कुल 10, लगा सकते हो वो तो तो समझाने के लिए मैंने अलग लिखा ठीक है सर ये देख लीजिए तुम्हारे कभी आया भी नहीं है ये था कहां तक का कहानी ये का तक का तुम्हारा नंबर ऑफ फॉर्मेशन तक का कहानी अब मैं आ रहा हूं वर्ड फॉर्मेशन में सर वर्ड फॉर्मेशन मतलब देखो भाई अगर मैं तुम्हारे सामने Uh, सवाल रखूं जहां पर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास चार तीन लेटर्स हैं सी टी और ए बताओ इनसे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं तीन लेटर वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं तुम बोलोगे सर कैट बनेगा सी टी ए बनेगा ए सी टी बनेगा ए टी सी बनेगा और टी ए सी बनेगा और टी सी ए बनेगा लेकिन मैं ये बोलता हूं भाई मैं ये बोलता हूं कि इसमें से सिर्फ दो ही का तो मीनिंग आता है एक्ट और कैट बाकी सब तो रिजेक्ट हो जाने चाहिए ना भाई बाकी सब तो रिजेक्ट हो जाने चाहिए क्योंकि टीएसी का तो कोई मीनिंग ही नहीं है टीसीए का भी कोई मीनिंग ही नहीं है एटीसी का भी कोई मीनिंग ही नहीं है सी टी अरे इनका तो कोई मीनिंग ही नहीं है इन सबका तो दो ही वर्ड कहलाए ना नहीं सर जब आपसे नंबर ऑफ वर्ड पूछा जाए तो इिस्पेक्टिव की उसका कोई मीनिंग है या नहीं है रिस्पेक्टिव को उसका कोई प्रोनाउंसिएशन है या नहीं है तुमको सिर्फ ये बता देने थ्री पी थ्री को दिमाग में नहीं रखना है कि उसका कोई मीनिंग या प्रोनाशिएशन होता है कि नहीं तो इसका मतलब क्या मैं सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकता हूं कि भाई टू फॉर्म अ वर्ड वी जस्ट नीड टू अरेंज द लेटर्स तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स आर वर्ड सो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स वी कैन यूज पर मोटेशन तो ये पहले आपको ये रियलाइज करवाया कि परम्यूटेशंस यहां पर यूज क्यों हो सकता है है ना तो एनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज अ वर्ड मीनिंग और उसका प्रोनंसिएशन क्या है इट इज इररिलेवेंट ठीक है अब उसके अंदर भी कुछ कंडीशन आती है तुम्हारे पास कैसे कंडीशन आती है मैं बताता हूं कैसे कंडीशन आती है जैसे ये देखो मान लो तुमको बोल दिया है कि b a d f ये चार लेटर है बोल रहा नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड बताओ जो इससे बन सकते हैं बट बट डी एंड एफ आर ऑलवेज डी और एफ ये जो दो लेटर है ना ये आजू बाजू में ही होंगे आर ऑलवेज टूगेदर ये अगल बगल में ही होंगे ऐसा बोल रहा है कि डी और एफ अगल बगल में जो भी तुम वर्ड बनाओगे डी और एफ अगल बगल में होंगे तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है अगेन वही वाली बात चार लेटर का वर्ड बनाना है जिनको तुम्हें साथ में रखना है ना उनको एक यूनिट मान लो एक यूनिट तो एक भी, एक चीज हो गई बी एक चीज हो गई ए और एक चीज हो गई डीएफ सही है सर तो तीन चीजों का अरेंजमेंट कैसे करते हैं थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल हो गया लेकिन ये जो तुम्हारा डी और एफ है ना अभी तो डीएफ है वैसे एफ डी भी तो हो सकता है तो डी और एफ भी आपस में अपने आप में अरेंज हो सकते हैं टू फैक्टोरियल वेज में इसका आंसर आ गया ट्वेल्व आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसका आंसर ट्वेल्व ला सकते हो करने की मुझे अभी जरूरत नहीं है अभी मैं सिर्फ आपको वो ट्रिक बता देता हूं कि जब तुमको ऐसा बोल दे कि इन चार लेटर में से ये दो लेटर हमेशा साथ में होने चाहिए ना तो जिनको साथ में रखना है ना उनको जस्ट काउंटेड लाइक अ वन यूनिट जैसे डी और एफ साथ में दे आर जस्ट वन यूनिट तो टोटल कितनी यूनिट बची पहली यूनिट दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट इस तरीके से तीन यूनिट बची बी एफ इन तीनों को अरेंज करने का क्या नंबर ऑफ वेज है इन तीनों को अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज है थ्री फैक्टोरियल और जो डी और एफ है अगर वो भी अपनी जगह आपस में बदल सकते हैं तो क्या हो जाएगा सर इंटू टू और हो मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया होता वॉट इफ वॉट इफ वॉट इफ डी एफ आर पिक्स मतलब डी इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट ऑफ एफ ऊपर वाले में तो बोला था कि डी और एफ अगल बगल में होंगे मतलब डी एफ भी हो सकता था एफ डी भी हो सकता था लेकिन सर अगर क्वेश्चन बोल दे कि डी और एफ साथ में ही होंगे तो कहानी फिर बदल जाएगी फिर बी ए और डीएफ को एक यूनिट मान लो और इसको चेंज भी मत करो सिर्फ थ्री फैक्टोरियल सिक्स वेज इज योर आंसर इंटू टू भी करने की जरूरत आवश्यकता आप लोगों को नहीं है क्या यह बात क्लियर है

इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन थिंग्स विद इन द ग्रुप कैन नॉट चेंज दियर प्लेसेज मतलब डी ऑर एफ ने अपनी जगह फिक्स कर दी है तो फिर तुम इग्नोर करो वो जो टू फैक्टोरियल बाद में मल्टीप्लाई किया था ना अपन ने उसको करने की जरूरत नहीं है अच्छा इसी में एक और वेराइटी लाता हूं वॉट इफ वॉट इफ क्वेश्चन तुमसे बोले डी एंड एफ आर नेवर टूगेदर अरे भाई पहले पार्ट का उल्टा पूछ लिया आपने तो सर यस पहले पार्ट का उल्टा पूछ लिया पहले पार्ट में बोला था कि डी एंड एफ आर ऑलवेज टूगेदर और अब मैं पूछ रहा हूं कि इसी सवाल में मुझे ये बताइए व्हाट इफ डी एंड एफ आर नेवर टुगेदर तो जब भी ऐसा सवाल पूछ ले तो तुमको कैसे निकालना चाहिए देखो नंबर ऑफ वेज ऑफ नेवर टुगेदर इज इक्वल टू इज इक्वल टू टोटल वेज टोटल वेज विदाउट कंडीशन टोटल विदाउट कंडीशन माइनस नंबर ऑफ वेज ऑलवेज वेज अपोजिट स्टाइल से चल गए हम तुमको क्या पता करना था कि कभी साथ में ना हो तो एक काम करो टोटल वेज निकालो और हमेशा साथ रहने वाले नंबर ऑफ वेज से माइनस कर दो अब टोटल वेज कैसे निकलेंगे टोटल वेज कंडीशन मतलब बी ए डी एफ को कैसे अरेंज करते हैं अगर कोई कंडीशन नहीं होती चार लेटर्स है तुम्हारे पास बी एडीएफ तो चार लेटर का वर्ड कैसे बनाते तुम फोर पी फोर उसमें से माइनस कर दो जो तुमने ऊपर निकाला है ना ट्वेल्व दे आर ऑलवेज टुगेदर तो क्या आंसर आएगा देखो ट्वेंटी इसका आंसर भी हो गया तो. ये हमेशा सेम नहीं होते ये तो अभी कोई इंसिडेंस है ऐसा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ टुगेदर भी ट्वेल्व आ रहा है और नेवर टुगेदर भी आ रहा है ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन ये बस बता रहा हूँ तुम ठीक है चलो बट तुम समझ गए हो मेरा लॉजिक कि टोटल वेज वेन सम लेटर्स आर नॉट टुगेदर तो टोटल वेज माइनस वेज ऑफ ऑलवेज टुगेदर करोगे तो वेज ऑफ नेवर टुगेदर निकल जाएगा अब कभी कभी क्या आता है ना सर ऐसा सवाल आता है तुम्हारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ऑफ वर्ड स्कूल अब जो तुमको स्कूल वर्ड cool दिख रहा है कितने लेटर थे उसके अंदर टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आंसर कर दोगे तुम सिक्स फैक्टोरियल लेकिन मैं बोलूंगा नहीं भाई गड़बड़ हो गई स्कूल के अंदर सारे लेटर यूनिक नहीं है एक लेटर दो बार रिपीट हो रहा है कौन सा ओ ओ और o. तो उतना फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा जो भी लेटर्स तुम्हारे वर्ड में रिपीट हो रहे होंगे उतना फैक्टोरियल तुमको डिवाइड करना पड़ेगा तो इसका आंसर आ जाएगा सेवन ट्वेंटी थ्री सिक्सटी तो इसी की जगह आप सुनना ध्यान से इसी की जगह स्कूल की जगह मैं एक और वर्ड देता हूं तुमको जाओ कोलकाता कोलकाता मैंने वर्ड दिया अब मैं स्कूल की जगह वर्ड दे रहा हूं कोलकाता कोलकाता में तुम बताओ मुझे कितने लेटर्स हैं एक दो तीन चार पांच छह और सात सेवन फैक्टोरियल हुआ सेवन फैक्टोरियल अब के दो बार रिपीट हो रहा है के दो बार रिपीट हो रहा है ए भी दो बार रिपीट हो रहा है वो भी दो बार रिपीट हो रहा है ओ तो नहीं हो रहा एल भी नहीं हो रहा तो अब क्योंकि दो बार दो दो लेटर रिपीट हो रहे थे तो दो बार दो फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया मैंने समझ में आ रही है आपको मेरी बात ठीक है चलो तो तो फैक्टोरियल अपॉन अपॉन शुड बी योर आंसर आंसर ये हो जाएगा द इज तो कैसे भाई एक दो एग्जांपल्स की मदद से मैंने तुमको सारा परम्यूटेशंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन वाला टॉपिक समझाने की कोशिश की अब सवाल करते हैं ठीक है

और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? बाकी के तीन कॉन्सोनेंट हो गए डी टी और एल ये तीन कॉन्सोनेंट हो गए अब तुमको छह लेटर्स को अरेंज करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और तुम ये बोल रहे हो तुम ये बोल रहे हो कि तुमने कंडीशन डाल दी है। क्या कंडीशन डाल दी है? जो ऑर्ड पोजिशन है ना फर्स्ट पोजिशन थर्ड पोजिशन फिफ्थ पोजिशन इन तीनों पोजिशन पर फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वाली पोजिशन पर सिर्फ वॉवेल नंबर आएंगे सिर्फ वॉवेल्स आएंगे वावेल लेटर और कोई नहीं आएंगे तो सर अब क्वेश्चन को तुम सिक्स करके सॉल्व नहीं करोगे कैसे सॉल्व करोगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑड पोजिशन वो हो जाएगा थ्री पी थ्री तीन वॉवेल तीन जगह सिक्स वेस और उसके बाद एंड एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इवन प्लेसेस अब तीन कॉन्सोनेंट बचे वो भी तीन जगह पर आएंगे सिक्स वेस, तो टोटल वेस कितना हो जाएगा मेरे भाई सिक्स इंटू सिक्स और यही क्वेश्चन में मान लो कोई ऐसा कंडीशन नहीं होता ना ये वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला कोई कंडीशन नहीं होता तो इसका आंसर आ जाता सिक्स फैक्टोरियल लेकिन यहां पर हो गया वो थर्टी ठीक है वैसे कंडीशन डालने से नंबर ऑफ वेज कम हो जाते हैं अगला ये लीजिए सर

Take P here. तो पहली प्लेस पर कौन कौन आ सकता है लेकिन रिपीटेशन थोड़ी करना है इसमें तो रिपीट होगा नहीं तो ये हो जाएगा सिक्स माइनस वन फाइव फिर ये हो जाएगा थ्री टू और वन तो आगे हर एक का बताने का मेरे को जरूरत नहीं है तुम समझ तो कही हो गए 5 into 5 into समझे भाई तो ये तो बिल्कुल जीरो जैसा हो गया ना यार मतलब नंबर्स की जगह लेटर्स का क्वेश्चन था और क्या अब आते हैं, 22 के एक सवाल में। देख लेते हैं क्या दिया टेकन विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम वर्ड लॉगरिथम हाउ मेनी वर्ड्स विल बी फॉर्म फोर लेटर्स आर टेकन विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम लॉगरिथम विदाउट रिपीटेशन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म अब भाई क्या बोल रहा है रिथम इसमें से तुमको चार लेटर लेने हैं और उसके बाद बताना है कि उनसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं थोड़ा लेवल वाला सवाल है तो इसमें से चार लेटर जो तुमको लेने होंगे ठीक है वो कौन कौन से एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस है तो टेन फोर लेकिन जो भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएगा उसमें ए तुम्हारा शायद हो 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 रहा है, ए कि और कोई भी रिपीट हो रहा रहा है 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 बस ये रिपीट हो रहा है। तो बताइए क्या आ जाएगा 10 into 9 into 8 into 7, 5040। लेकिन उसमें से तुम्हारा ये रिपीट हो रहा है तो अपॉन टू कर दिया तो टू फाइव टू जीरो आंसर समझे क्या हुआ एवरीबॉडी गॉट इट तो लॉगरिथम में से अगर चार डिजिट चार चूज करके मेरे को अरेंज करने थे तो वो तो हो गया फाइव जीरो फोर जीरो लेकिन उसमें से टू फैक्टोरियल मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज वहां पर ए रिपीट हो रहा है ए वहां रिपीट हो रहा है ठीक है टू टू ठीक एवरी वन चलो नेक्स्ट अब आते हैं परम्यूटेशन के अंतिम टॉपिक में जिसका नाम है सर्कुलर परम्यूटेशन मेरे भाई क्या होता है ना जब हम लाइन में अरेंज करते हैं तो नंबर ऑफ वेज ज्यादा बनते हैं लेकिन उसी चीज को जब सर्कल में अरेंज करते हैं ना तो अरेंजमेंट कम हो जाते हैं क्यों मैं रीजन बताता हूँ जैसे ये एबीसीडी लिखा हुआ है अब मैं अगर ऐसा लिख देता हूं डी बी सी एक्चुअली ये दोनों सेम है कैसे सेम है क्योंकि यहां कोई राइट और लेफ्ट तो होता ही नहीं है ना ये तो सर्कल है ये तो पूरा सर्कल है तो ए के बाजू में लेफ्ट साइड में बी बैठा है यहां भी ए के बाजू में लेफ्ट साइड में सॉरी माय बैड ए यहां ले आया तो डी यहां आएगा सी आएगा बी आएगा हाँ पहले वाले में भी, के में भी बैठा था, दूसरे वाले में भी है छोटी सी बात को बस फील करो तुम सिर्फ इस छोटी सी बात को फील करो मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों ही अरेंजमेंट में जिसके बाजू में जो था वही है तो अरेंजमेंट तो सेम ही ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब सर्कल हो क्योंकि क्या होता है लीनियर में ना

उसमें से एन ऑब्जेक्ट्स को ही तुम अगर चूज कर रहे हो तो उसका सर्कुलर परमोटेशन का आंसर होता है नॉट एन फैक्टोरियल इट विल बी एन माइनस वन फैक्टोरियल जैसे नॉर्मली हम एन पी एन निकालते हैं तो एन फैक्टोरियल आता है ना जैसे फोर पी फोर फोर फैक्टोरियल आता है फाइव पी फाइव फाइव फैक्टोरियल आता है लेकिन जब सर्कुलर हो जाता है तो आंसर एन माइनस वन फैक्टोरियल आता है ये आपको याद रखना है कि सर्कल के केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कम हो जाते हैं अब सर्कुलर में भी ना सर सेकेंड टाइप आता है सर्कुलर टाइप टू अगर तुम किसी ऐसी चीज का सर्कुलर अरेंजमेंट निकाल रहे हो हो जिसे तुम फ्लिप भी कर सकते हो, जैसे कि कोई कोई नेकलेस या कोई ऐसी माला जैसे कि मैंने तुलसी माला पहनी ठीक है अब ये मैंने निकाली अब मैं इसको ऐसे उल्टी करके भी पहन सकता हूं ना तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये सर्कल है तुम्हारा ये सर्कल है सर्कल में आ दिया ए बी सी डी इस सर्कल को ऐसे पलटा दोगे ना, पलटा दोगे, तो ए वहीं रहेगा सी वहीं रहेगा बी आ जाएगा D आ जाएगा। में में हम इनको different count करते हैं, लेकिन ये circular type 2, special वाले circular permutation में, इन दोनों को भी same कर दिया जाता है। तो अगर तुमसे टाइप टू वाला सर्कुलर परम्यूटेशन पूछे तो थ्योरम में और थोड़ा चेंज आएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल टू कर तो भाई लीनियर होता है तो एनपीएन का मतलब एन फैक्टोरियल

बोल रहा है फाइव पर्सन आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल इन सच अ वे दैट द टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट मान लो कि भाई ये सर्कल में बना देता हूं ये रो सर्कल और यहां पर पांच लोगों को ले लेता हूं एक दो तीन चार पांच इसका नाम रख देता हूं ए सी बी डी एफ और ऐसा मान लेता हूं भाई कि बी जो है ना वो टॉलेस्ट है और सी जो है ना वो शॉर्टेस्ट है नहीं उल्टा लिख दिया मैंने <laughs> बी शॉर्टेस्ट है ऐसे बोला ना द टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट तो बी के राइट में सी है हमेशा फिक्स रहेगा कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं पहले मैं तुमको बिना कंडीशन के अगर विदाउट कंडीशन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ना तो कैसे करते हम बोलते देखो भाई सर्कल में पांच लोग हैं तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन हो जाएगा होल ऐसा हम तब करते ऐसा हम तब करते जब कोई कंडीशन ना होती कोई कंडीशन ना होती लेकिन यहां पर तो कंडीशन दी हुई है तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा सी और बी को एक काउंट करना पड़ेगा सो टेक टेक सी एंड बी एज वन यूनिट अगर मैं सी और बी को वन यूनिट लेता हूं तो एन की वैल्यू हो जाएगी फोर भाई ए हो गया एफ हो गया डी हो गया और B और बी सी को एक काउंट कर लिया तो चार हो गए तो बताओ नंबर ऑफ सर्कुलर क्या हो गया सर होल थ्री लेकिन लेकिन क्या सी और बी अपनी जगह आपस में चेंज करेंगे क्या मैं थ्री को टू से मल्टीप्लाई करूं अगर सी और बी अपनी जगह आपस में चेंज कर सकते थे तो इंटू टू करता बट क्योंकि यहां पर बोल दिया नहीं सी विल ऑलवेज बी ऑन द राइट साइड बी आर टूगेदर इंटू टू भी करता बट क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं था था बोल दिया था कि राइट साइड right तो सी और बी भी फ्रीज हो गए तो फाइनल आंसर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ थ्री आएगा थ्री दिया ही नहीं यहां पर है आ गया माइनस वन थ्री फैक्टोरी अच्छा थ्री फैक्टोरियल है ना सॉरी सॉरी सॉरी

तो हो गया फोर्टी नाइन फैक्टोरियल अपॉन टू फोर्टी नाइन फैक्टोरियल अपॉन टू यहां तक मेरे साथ हो सभी लोग अब देखो भाई अगला कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम है तीन चार क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं उसके बाद फिर सेशन को जो है समापन करेंगे बहुत सही चला बहुत सही टाइम से हम लोग इसको जो है कर पा रहे हैं मैंने दो घंटे का टोटल रखा था बट टारगेट मेरे माइंड में ये था कि डेढ़ घंटे में इसको खत्म करना चाहिए आइडियली कुछ टॉपिक्स में ढाई भी जाएगा मतलब दो भी जाएगा और कुछ में डेढ़ में हो जाएगा नंबर ऑफ फोर बॉयज एंड थ्री गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे आर देरनेट एक तो सात जगह है एक दो तीन चार पांच छ सात ठीक है चार बॉयज है मेरे पास चार बॉयज और तीन गर्ल्स है अभी मुझे ये नहीं बोला कि ऑर्ड में बॉयज बॉयज बैठेंगे और इवन में गर्ल्स बैठेंगे या क्या कुछ भी नहीं बोला बस ये बोला है कि बस ऑल्टरनेट होने चाहिए तो मुझे बताओ भाई अगर तुमने यहां गर्ल्स बिठा दी यहां गर्ल्स और यहां गर्ल्स बिठा दी फिर यहां बॉय और यहाँ बॉय और यहां बॉय बिठा दिया तो ये तो बाजू बाजू में हो जाएंगे दो बॉय अल्टरनेट नहीं रह गया ये तो दिस इज नॉट अल्टरनेट तो तुम कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ क्या मैं ऑड पोजिशन में गर्ल्स को रखू तो सही होगा ऑर्ड पोजिशन में गर्ल्स को रखोगे तो सही नहीं होगा सर बिल्कुल सही नहीं होगा कुछ बच्चे बोल रहे कॉम्बिनेशन तो बाकी है अरे भाई कल परसों जो है ओटीएम ऑफ कॉम्बिनेशन है आज का था ना वैसे कॉम्बिनेशन का है तीन तीन और एक साथ। तो सर मुझे रखना पड़ेगा बॉयज को पहले फिर गर्ल को फिर बॉय को फिर गर्ल को फिर बॉय को फिर गर्ल को तो देखो ऑटोमेटिक मैच कर गया चार बॉय चार गर्ल सारे के सारे ऑल्टरनेट हैं अब नंबर ऑफ वेज निकालते हैं तो चार ऑर्ड प्लेसेस में चार बॉयज को आप फोर पी फोर वेज में अरेंज कर सकते हो तीन इवन प्लेसेस में तीन गर्ल्स को आप थ्री पी थ्री वेज में अरेंज कर सकते हो तो ट्वेंटी फोर इंटू सिक्स बताइए भाई से आंसर है लेकिन ऑल्टरनेट तो तभी रख पाऊंगा ना जब बॉयज सात लोगों में बॉयज से शुरुआत करूंगा तभी हो पाएगा ना क्योंकि देखो चार ऑड ऑल्टरनेट प्लेसेस है और तीन इवन ऑल्टरनेट प्लेसेस हैं तो तीन इवन में गर्ल्स को डाल दिया चार ऑड में बॉयज को डाल दिया तो सबके सब ऑल्टरनेट हो गए फिर अरेंजमेंट निकालने के लिए फोर पी फोर इंटू थ्री पी थ्री वन फोर्टी फोर इज द आंसर अगला एक और सवाल सर वन मोर क्वेश्चन थ्री गर्ल्स थ्री गर्ल्स एंड फाइव बॉयज आर सीटेड इन अ रो सो दैट नो टू गर्ल्स नो गर्ल्स सिट टुगेदर गर्ल्स लोगों को बाजू बाजू में नहीं करना भाई उनको अलाउड ही नहीं है बाजू में रहना ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया सर कि जो मेरे पांच बॉयज हैं ना बी वन बी टू बी थ्री बी फोर और बी फाइव इनके अगल बगल की जो जगह है एक दो तीन चार पाँच आपको गर्ल्स को यहीं कहीं बिठा पड़ेगा अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि दो गर्ल्स बाजू बाजू में ना आए है ना क्योंकि बोला है ना कि नो टू गर्ल्स सिट टूगेदर नो गर्ल्स सिट टूगेदर तो ऑल्टरनेट प्लेसेस पर रखना पड़ेगा तो ऐसी कितनी प्लेस हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो थ्री गर्ल्स थ्री गर्ल्स इन सिक्स प्लेसेस कैसे अरेन्जमेंट करोगे सिक्स पी थ्री सो तीन गर्ल्स को इन छह जगहों में से कहीं सेट करना है तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर ये हो गया सर वन ट्वेंटी अब क्या हुआ अब बचे फाइव बॉयज और तीन गर्ल्स को जब तुमने सेट कर दिया ना तो अब पांच जगह बची ना मल्टीपल जगह थोड़ी बची और बॉयज में तो कोई कंडीशन ही नहीं है तो रिमेनिंग फाइव बॉयज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ भाई फिर वन ट्वेंटी आंसर आ जाएगा तुम्हारा फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड क्या आपको मेरी बात समझ आ रही फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड कैसे आया बॉयज एंड गर्ल्स लेडीज एंड जेंटलमैन जल्दी से बताइए सारे बच्चे ठीक है फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स बॉयज एंड फाइव गर्ल्स आर टू बी सीटेड फॉर अ फोटोग्राफ सच दैट नो टू गर्ल्स गर्स अच्छा यहाँ पर डबल कंडीशन कर दी सर गर्ल्स गर्ल्स भी बाजू बाजू में नहीं होने चाहिए और बॉयज बॉयज भी बाजू बाजू में नहीं होने चाहिए गर्ल्स गर्ल्स भी बाजू बाजू में नहीं होने चाहिए और बॉयज बॉयज भी बाजू बाजू में नहीं होने चाहिए सिक्स बॉयज एंड फाइव गर्ल्स ग्यारह लोग हैं नो टू बॉयज नो टू गर्ल्स तो ग्यारह लोग होंगे अगर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन तो फिर से वही वाली बात होगी सर कि तुमको शुरुआत बॉयज से करनी पड़ेगी बॉयज गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल बॉय क्योंकि बॉय ज्यादा है ना तो अगर तुमने गर्ल से शुरुआत दी तो आखिरी में दो बॉयज साथ में बैठने पड़ेंगे वो अलाउड नहीं है नो टू बॉयज एंड नो टू गर्ल्स सिट टूगेदर तो सिंपल हो गया फिर सिक्स फैक्टोरियल इन फाइव फैक्टोरियल ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इज द आंसर अब क्या बोल रहा सर इसको भी पढ़ लेते हैं बढ़िया सवाल है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एट पीपल आर सीटेड इन अ रो इन अ मीटिंग देम द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर टू बी सीटेड ऑलवेज़ इन सेंटर फाइव सिक्स सेवन एट चार इधर चार इधर तो ये दो जगह रिजर्व कर लो भाई आप ये दो जगह आप रिजर्व कर लो किन के लिए रिजर्व कर ली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट तो हमको पता नहीं है कि लेफ्ट में प्रेसिडेंट रहेगा राइट में वाइस प्रेसिडेंट रहेगा या वाइस वर्षा और आठ लोग हैं भाई टोटल ठीक है तो अब सबसे पहले तो आप क्या कर लो सर एक दो तीन चार पांच छह बाकी के लोग उन छह जगह पर ही बैठेंगे सिक्स फैक्टोरियल प्रेसिडेंट के लिए टू फैक्टोरियल वे सिक्सोरियल इंटू टू फैक्टोरियल सकते हैं है। फ्लो नहीं हो सकता कि पहली दो जगह पर वो बैठ गए नहीं 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 बैठेंगे तो सेंटर पर ही मीटिंग में तो ऐसा ही होता ना चेयरमैन तो सेंटर पर ही बैठता तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपनी जगह बदल सकते हैं बाकी जो छह लोग हैं वो आपस में वही वही बदलते रहेंगे सिक्स वेज में

लेकिन इस सेशन को देखने के बाद उनको थोड़ा थोड़ा सा लगा कि ठीक है भाई इतना तो करके जा ही सकते हैं Only this much. मैं मैं नहीं नहीं बोलता बोलता इसके बाद पढ़ो मैं बोलता इसको करो सिर्फ ये ये घंटे घंटे डेढ़ जो तुम बैठे क्या तुम्हारे लिए थे या मुझे चाहिए ओके जी तेरी वो रफ्तार नजरें झुके आशाएं खिले दिल की उम्मीदे हसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी तो कोई भी टॉपिक मत छोड़ो और और लाइव चैट में सारे बच्चे हैश टैग ओ करो थैंक यू वापस मिलेंगे आफ्टर टू डेज फॉर अनदर ओटीएम सेशन एंड कल सुबह साढ़े दस बजे आई एम मीटिंग यू फॉर द टेस्ट सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स चालीस MCQ स्टैटिस्टिक्स के कल सुबह साढ़े दस बजे शार्प सी यू ऑल दैर बाबा